अगर आपको इस तरीके के टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन बनाना होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए टाइप करना पड़ता है इस तरीके के, जैसे एक्स के पावर समथिंग, जैसे यहाँ मैंने लिखा हूँ एक्स का पावर 2+1, है ना। और इसमें हम जैसे कि किस तरीके से ऐसे वाले जैसे मैथमेटिकल्स कोई प्रॉब्लम होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसको टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। अभी क्या करता हूँ, जैसे कि एक्स है, एक्स का पावर मुझे लिखना है 2, ओके। तो जब डायरेक्ट हम 2 लिखते हैं तो एक्स का पावर 2 नहीं आया, लेकिन हमने कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके प्लस प्रेस कर दिया। अब भी हम जितना भी पावर लगाना चाहे, जैसे 2 लगा दिया, देखो एक्स का पावर हो गया 2, है ना। और फिर से हमें जैसे प्लस करना है, अब ऊपर करना है तो प्लस, सिंपल सा प्लस, प्लस करने ऊपर लिखेगा। अब अगर हमें नीचे फिर से एक्स के फॉर्म में लिखना है तो फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस, है ना। तो फिर वो उसी फॉर्म में आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो फिर से वाई दिया, और वाई को भी स्क्वायर बनाना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करें, प्लस प्रेस करके फिर से 2 कर दे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, है ना। तो इस तरीके के हम स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करके आप स्क्वायर को ले सकते हैं, और फिर से वही प्रेस करेंगे तो आप फिर से नॉर्मल पे आ जाएंगे। फिर चलो यहाँ पे जैसे कि एक होता है एच, जैसे कि H2O, एच, है ना। और हम लिखते हैं 2 और हम लिखते हैं फिर से O। तो देखो ये किस तरीके से मैंने लिखा, अगर इस तरीके से लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, एच प्रेस करेंगे, एच टाइप कर दिया, है ना। अभी एच टाइप करने के बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल और प्लस, ओनली कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर देना है। अब ये नीचे आ जाएगा कर्सर, अब हमें लिखना है 2, ओके। अभी हमें यहाँ नीचे लिख रहा है, फिर से हमें ओ को ले जाना है ऊपर उसी फॉर्म में, तो फिर से कंट्रोल प्लस कर देंगे तो फिर से वो इसी फॉर्म में आ जाएंगे, फिर लिख देंगे ओ। तो देखो H2O आ गया ना। तो इस किस्म के जैसे कि हमें टाइप करना होता है तो बहुत ही जरूरत पड़ता है, जब भी हम क्वेश्चन बनाने जाते हैं बच्चों के लिए या स्कूल कॉलेज के लिए, तो इस तरीके के हमें जरूरत पड़ता है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि ताकि आपको पता चले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।